नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 दिसंबर 2022 की सुबह है, 9:38 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि और अपने मित्र की राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 14 जनवरी 2023 तक यानी एक महीने की समयावधि तक सूर्य धनु राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में कौन से सावधानी आपको बरतनी चाहिए और किन किन क्षेत्रों में सूर्यदेव आपको बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब, आजीविका और पेट का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर भी सूर्य का ही प्रभाव रहता है। सूर्य क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा के प्रतीक ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली पर सूर्य की स्थितियां यदि बली हो तो कई प्रकार की सफलता जातक के जीवन में देखने के लिए मिलती है। सूर्य की स्थिति सही हो तो जातक के अंदर तेज और लीडरशिप क्षमता होती है। सूर्य बली हो तो जातक अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा, लीडरशिप क्षमता के द्वारा कई समूह को एकत्रित करने में सफल होता है। ऐसा जातक व्यापारिक जीवन में भी सफल हो सकता है और लीडरशिप से जुड़े हुए कार्यों में भी सफल हो सकता है। सूर्य यदि बली हो तो सरकारी, राजनीतिक जीवन और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयास में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्य यदि बली हो तो जातक अपने परिवार का पालक होता है। अब सूर्य की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर खराब हो जाए, सूर्य नीच के हो जाए, सूर्य अस्तगत स्थितियों में हो जाए, सूर्य पापी ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाए तो कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य पीड़ित हो तो नेत्र पीड़ा, आंखों के रोग, हड्डियों में समस्याएं और भूख नहीं लगने की समस्या होती है। सूर्य के पीड़ित होने पर बीपी के बढ़ जाने की समस्या और हृदय में भी समस्याएं होने लगती है। ऐसे जातक का पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंध भी खराब होता है। सूर्य के पीड़ित होने पर मान सम्मान भी कम मिलता है। तो सूर्य यदि पीड़ित हो तो सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय भी करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर या फलादेश आधारित रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी होते हैं, जो 16 दिसंबर 2022 को आपके राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के अष्टम भाव से आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा और दुर्घटनाओं के बारे में विचार किया जाता है। तो सूर्य का यह गोचर इस एक महीने के लिए आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में संलग्न हैं और पूर्ण रूपेण उत्साह के साथ, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ यदि आप कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं तो बड़ी सफलता की संभावना आपको करियर में देखने के लिए मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों को सूर्य के इस परिवर्तन से मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। इस परिवर्तन से आपके जीवन में आकस्मिक रूप से आपको बड़े धन लाभ की संभावना भी देखने के लिए मिल सकती है। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातक जो रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं,
या पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण भी देखने के लिए मिलने वाला है। सूर्य का यह परिवर्तन आपके जीवन में कई प्रकार के नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए समर्थ रहेगा, परंतु सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में आपको शारीरिक रूप से समस्याएं दे सकता है। इसलिए खान पान की आदत पर आपको संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, और यदि आप कहीं पर वाहन चलाने जाते हैं या वाहन यदि आप चला रहे हैं तो उस पर आपको ज्यादा संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट का प्रयोग करें, फोर व्हीलर यदि आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग इसे एक महीने तक करते रहें। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, उन जातकों को आंखों में समस्याएं, हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती है, बीपी की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। शारीरिक गंभीर समस्या यदि हो रही हो तो आपको डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करने से जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके वाणी भाव को देखेंगे, तो आपको अपने 90 तुल्य शब्दों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस एक महीने की समयावधि में सूर्य को मजबूत करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को गायों को गुड़ खिलाना बेहतर रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य को जल अर्घ देना भी बेहतर रहने वाला है। सूर्य को मजबूत करने के लिए ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ यदि आप रविवार के दिन गेहूं, तांबा या गुड़ का दान किसी सात्विक ब्राह्मण को या जरूरतमंद लोगों में यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।